हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मेघना है एंड वी आर करेंटली कवरिंग टॉपिक पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री। सो इन द लास्ट सेशन हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। आज के सेशन में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं एंड इट इज द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन सी चीजें कवर करी थी और उसके बाद से हम आज जो भी इम्पोर्टेंट चीजें रिमेनिंग है उसको कवर कर लेंगे और आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा, राइट? तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। हमने इंट्रो पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्या है। सो इट इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और यहाँ पर हम उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बेसिस में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में उसका अरेंजमेंट स्टडी करते हैं, राइट? सबसे पहले मेंडलीव हमने पढ़ा था कि उन्होंने फर्स्ट वर्जन दिया था पीरियोडिक टेबल का। बाद में और लेटर डेवलपमेंट्स किए, किसने किए थे? मुसले ने किए थे, हेनरी मुसले ने किया था, जहां पर उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंजमेंट्स की थी। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा पीरियोडिक टेबल का कि किस तरीके से आपके ग्रुप्स होते हैं, जो आपके वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप्स होंगे और यहाँ पे अगर आप रोज देखेंगे तो उनको पीरियड्स कहते हैं। फिर आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि 7 पीरियड्स और सीरीज होती है, या फिर अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स होते हैं, राइट? ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पर 3 तरीके के एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एक आपके मेटल्स होंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड मिडिल पार्ट पर। दूसरे होते हैं, लेफ्ट एंड मिडिल पार्ट पे आपके मेटल्स होते हैं और इस साइड पर, राइट साइड पर आप देखेंगे तो क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। और तीसरे होते हैं आपके मेटलॉइड्स, जो आप जिगजैग मैनर पे ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं। मेटलॉइड्स में आपकी नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। इसके बाद बॉटम पार्ट में भी आप देख रहे हैं मेटल्स प्रेजेंट है, लेकिन इन सीरीज को लैंथनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसके बाद हमने ब्लॉक वाइज देख लिया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद से पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं राइट साइड पर और आपके बीच में क्या प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, राइट? और नीचे आपके बॉटम पार्ट में क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जहां पे आपके लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, राइट? और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उन्हें हमें इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो सारे तो मेटल्स है, अभी हमने जस्ट देखा। इसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख भी लिया था, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स पता होने चाहिए आपको। एलिमेंट फैमिलीज अगर हम देखेंगे तो एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप आपको पता है ना, हम वर्टिकल कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप में होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप में होंगे। इसके बाद से ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक बीच में प्रेजेंट है, वर्सेटाइल मेटल्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, हेलोजन अगर आपको पता है तो लास्ट में आपके ग्रुप 17 और 18 आते हैं, तो 17 वाले आपके हेलोजन है और 18 वाले आपके क्या है, नोबल गैसेज है और इनर्ट गैसेज है, राइट? क्योंकि स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है इनकी। इसके बाद अगर हमने देखा तो कुछ ट्रेंड्स देखे थे पीरियोडिक टेबल, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फिर मॉडर्न यूजेस क्या है पीरियोडिक टेबल के, इसलिए यूज कर रहे हैं। आज हमें स्टार्ट करना है थ्योरीज, ये अलग अलग जो थ्योरीज दी गई हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। यहाँ पर क्या लिमिटेशंस थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे थ्योरी के, ये सारी चीजें कवर करेंगे, राइट? तो सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है, दैट इज डोबीराइनर ट्रायड थ्योरी। अब ये किसने दिया था, तो ये जॉन वॉल्फगैंग डोबीराइनर ने दिया था, एक जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने ट्रायड थ्योरी दी। तो इस ट्रायड वर्ड से ही यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस में समझाना चाहा, ठीक है? सो ही मेड एन अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और अगर आप किसी के पास सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो आप उनको एक जगह पे अरेंज कर देते हो, ठीक है? अगर जब भी आप कुछ अरेंजमेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं तो उस टाइम भी आप क्या देखते हैं कि अगर कुछ चीजें एक जैसी सिमिलर टाइप की दिख रही है तो आप उसको एक जगह अरेंज कर देते हैं ताकि ईजिली आप वहां से चीजें निकाल सकें। सो ही ऑब्जर्व दैट सर्टन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड इनटू सेट ऑफ 3। ट्रायड क्यों बोला है, क्योंकि हमें सिर्फ सेट ऑफ 3 में डाल सकते हैं और उसे ही हम ट्रायड्स कह रहे हैं, ठीक है? तो 1817 में क्या हुआ कि वॉल्फगैंग डोबीराइनर एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने अरेंजमेंट चाही और उन्होंने 3 एलिमेंट्स डाले। एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, इसलिए हम इसे ट्रायड कह रहे हैं, राइट? और इसे डोबीराइनर ट्रायड कहा जाता है।
फिर उन्होंने फर्दर रिप्रेजेंट किया कि जो तीन एलिमेंट्स आप ट्रायड पे डाल रहे हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, राइट? एटॉमिक मास वर्ड यूज करेंगे, एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक मास होगा. अब ध्यान से सुनिए कि ये जो कहता है, ये जो लॉ कहता है या ये थ्योरी कहती है, सॉरी, तो अगर ये थ्योरी बनी हुई है तो ये क्या कह रही थी कि अगर आप तीन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो ये जो एक दो तीन आपने अरेंजमेंट किए हैं ना, जब आप इन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे, तो जो एवरेज आएगा वो जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा इस ग्रुप में उसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा जो भी एवरेज आएगा. ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाती हूँ और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? तो अगर आप देखिए, तीन एलिमेंट्स लिए, एलिमेंट लिया और यहाँ साइड पे क्या लिया, उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को ले लिया. अब देखिए, लिथियम लिया जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 7 है ना. हमें किससे देखना है, उसके एटॉमिक वेट को देखना, भी हम एटॉमिक नंबर पे बात कर ही नहीं रहे हैं. तो लिथियम का क्या है, 7 है, 6.9 होता है, तो आप ऑलमोस्ट 7 ले सकते हैं. और इसके दूसरे साइड पर आप देखेंगे जो पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक वेट 39 है. अब क्या बोला है कि जब इन दोनों को आप ऐड करके इनका एवरेज निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 7 + 39 करेंगे, 7 + 39 और एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, दिस इज 9. ओके, तो 39 एंड 7 विल बी आपका 46, और 46 बाय 2 किया तो आपके पास क्या आया, 23 आया. अब ये जो 23 आया है वो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल है, आ रहा है ना. तो यही चीज यहाँ पर की, एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम ये कर दिया और इसका लास्ट में क्या आ रहा है, 23 आ रहा है. सो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23 हो गया, जो मैच कर रहा है एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम से, सैटिस्फाइंग डोबीराइनर ऑब्जर्वेशन को ये सैटिस्फाई कर रहा है. अगर हमें और एग्जाम्पल देखने हैं तो हम किसका देख सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का. मैं आपको पहले बताती हूँ, अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक मास देखेंगे तो इट इज 35.5, राइट? इसके बाद अगर हम ब्रोमीन का भी लिख लें तो ब्रोमीन का कितना होता है, 79.9 के लगभग होता है. और यहाँ पे हो गया अप्रोक्सीमेटली आयोडीन का कितना होता है, तो आयोडीन का होता है 126.9, इस तरीके से होता है. अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का सम और एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 35.5 + 126.9 किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. ठीक है, अगर हम इसका सम करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ये 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया. फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 1, 7 और 5. ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 और 5, 12 हो गया, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल आएगा. इसके बाद अगर आप ये लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट? तो इसके बाद इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 8 16, 2 1 2 और 0.2. ठीक है, तो ये आ गया 81.2 आ रहा है, 81.2 आ रहा है. इसको हम लगभग 80 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगा, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है बट 81.2 आ रहा है तो इसके नियरली आएगा. इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का भी निकालना चाहें तो एक बार आप इसके एटॉमिक मास देख सकते हैं और उसके बाद इसके साथ भी डोबिनियर ट्रायड की थ्योरी को प्रूफ कर सकते हैं. बट लिमिटेशंस थी, है ना, की एस्पेक्ट्स एक बार हम कवर कर लेते हैं यहां से. ग्रुपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज की एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट रिलेशन चेक किए कि द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज रफली द एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स इन ईच ट्रायड. हर एक ट्रायड में ऐसा होगा जिन तीन एलिमेंट्स को चूज करके आप ट्रायड फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म किए गए थे, है ना. तो ये चीज आपने नोटिस कर ली. इसके बाद देखिए लिमिटेशंस क्या थी. लिमिटेशन ये थी कि एज इट कुड ओनली क्लासिफाई अ फ्यू एलिमेंट्स. ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उन सब में पूरे पीरियोडिक टेबल में हर जगह ये अप्लाई हो जा रहा है कि आप किन्हीं तीन एलिमेंट्स को ले रहे हैं और उसके बाद ये सब ये थ्योरी प्रूफ हो पा रही है, ऐसा नहीं था. ठीक है, तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उसमें से कुछ को ही अरेंज इस वे में किया जाता था. लेकिन सिग्निफिकेंस क्या था, व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट, ये जो थी वो डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशंस के लिए फाउंडेशन की तरह थी, है ना. जब भी थ्योरीज आती हैं, अभी तक हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो थ्योरीज क्या करती हैं कि एक इंसान पहले आएगा, एक केमिस्ट या फिर कोई भी फिजिस्ट आएगा और उसने पहली थ्योरी दे दी, उसके बाद जो भी फाउंडेशन की तरह ट्रीट करके लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं अलग अलग, और उसके बाद से अलग अलग थ्योरीज डेवलप होती है. तो इवेंचुअली
इवेंचुअली इन थ्योरीज के फाउंडेशन को कंसिडर करके ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है। पहली थ्योरी हमने ये देख ली डोबी राइनर ट्रायड। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर, ये है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। अब ये 1864 में जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा बनाया गया था, दिया गया था, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने क्या बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जब आप ऑक्टेव वर्ड सुन रहे हैं, ऑक्टगन सुना है, तो ऑक्टगन में कितने होते हैं, 8 साइड्स। ठीक, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब कुछ 8 की बात तो हो रही है। तो ही एज एन अर्ली अटेम्प्ट्स टू अरेंज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट। यहां पर भी देखिए उनके एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज के बेसिस में अरेंज किया है। लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी, वहां पर भी उनके एटॉमिक वेट के बेसिस में ही हमने देखा। तो ही नोटिस्ड अ रिकरिंग पैटर्न वेयर एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। अगर आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसी आएगी उस रो में। ठीक, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स में होता है वैसा इन्होंने कंसिडर किया इसको। की एस्पेक्ट्स पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम की एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया, और यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और 8th पोजिशन में इसको अरेंज किया। अब यहाँ पे लिथियम है ना, एटॉमिक नंबर 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद से बेरिलियम आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम आएगा। तो यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 11th एटॉमिक नंबर वाइज 11th है। लेकिन हम एटॉमिक नंबर वाइज नहीं, एटॉमिक वेट वाइज ये थ्योरी दी गई है, तो उसके वाइज ये अरेंजमेंट उसकी प्रॉपर्टीज कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने लिथियम को लिया कि लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ से, और 8th एलिमेंट आपका इस अरेंजमेंट में क्या है, सोडियम है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सोडियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आपका लिथियम, उसके जैसे ही प्रॉपर्टीज होगी। तो ये हो गया कि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। इसके बाद अगर और हम आगे अरेंज करेंगे, तो सोडियम के बाद, सोडियम को अब फर्स्ट कंसिडर किया यहां से कर रहे हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड पोटेशियम है। तो अब पोटेशियम इस अरेंजमेंट में 8th एलिमेंट हो गया, और इसकी जो पोटेशियम की प्रॉपर्टीज होंगी वो सोडियम की जैसे होंगी। ठीक है, तो लिथियम एंड सोडियम इनकी क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज थी एज डू बेरिलियम। अगर आप और अरेंजमेंट देखोगे, जैसे यहां से अगर आपने इसको फर्स्ट माना, बेरिलियम को फर्स्ट माना, तो 8th कौन सा होगा आपका, मैग्नीशियम होगा। तो उस क्रोनोलॉजी में इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, है ना। और यहां से आप किसी को भी 8th वाले को लोगे, अगर आपने इसको फर्स्ट माना तो इसके बाद जो 8th आ रहा है उसको कंसिडर करोगे, तो ये क्या करता है कि अलाइन करता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के साथ, कि 8th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आपने अरेंज इस वे में किया है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के जैसे होंगी जो उस पोजिशन पे है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई थी। दस वी कैन एक्सप्लेन दैट फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट इन इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड फॉलोइंग पेयर्स। आप और भी पेयर्स बना सकते हो, जैसे आपका बोरॉन और एल्यूमिनियम का पेयर यहाँ से बन जाएगा, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम का पेयर बन गया। फिर आप इसी के साथ कार्बन और सिलिकॉन ले सकते हो। ठीक है, कार्बन और उसके बाद से 8th पोजिशन में फोर्थ, तो 8 हो गया, 8th पोजिशन में सिलिकॉन है। इसके बाद आप ले सकते हो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। तो यहाँ से आप 8 ऐसे पैटर्न में और भी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी। आप देखिए यहां से देख लीजिए कि एस्पेक्ट्स क्या थे आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, पैटर्न ऑफ 8 बना। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एवरी 8th एलिमेंट शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, अनफिक्स्ड पैटर्न है। द रेपिटेशन इज लाइक इन ऑक्टेव इन म्यूजिक वेर ईच 8th नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद लिमिटेशन होंगी, ऑब्वियसली इसमें भी कुछ लिमिटेशन होंगी। तो ये पाया गया कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सिर्फ कहाँ तक इफेक्टिव पाया जा रहा था, कैल्शियम तक, जो आपका कैल्शियम है वहां तक ही इफेक्टिव था। बिकॉज आफ्टर कैल्शियम हर एक 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट नहीं हो पा रही थी, एंड दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क्ड वेल ओनली विथ लाइटर एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस अप टू 14 है, उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन कैल्शियम का तो उसके बाद ही है, लेकिन कैल्शियम के बाद तो ये काम नहीं कर रहा था, तो कुछ एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल था।
इनफ्लेक्सिबिलिटी थी कि जैसे ही ज्यादा एलिमेंट्स और ज्यादा डिस्कवर किए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम तक तो काफी कम एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, तो ये जो अगर बाकी एलिमेंट्स आते हैं तो ऑक्टेव पैटर्न जो है वो अप्लाई नहीं होगा यूनिवर्सली हर एक एलिमेंट्स पे। तो उस टाइम पे एज्यूम किया गया कि न्यूलैंड ने बोला कि ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जब ये थ्योरी दी गई थी नेचर में तब 56 एलिमेंट्स थे, एंड नो न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, ऐसा उन्होंने बोल दिया था कि और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं किए जाएंगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट। सिग्निफिकेंस था, इट वाज अ पायनियरिंग इफेक्ट टू फाइंड पीरियोडिसिटी अमंग एलिमेंट्स, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी में हम जाएंगे, तो नेक्स्ट थ्योरी आपकी काफी फेमस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो 1869 में दिया गया था, रशियन केमिस्ट थे ये, एंड ही फॉर्मुलेटेड द पीरियोडिक लॉ टू क्लासिफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस में ही पीरियोडिक टेबल को बताया, ठीक है। तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के। हेंस व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी गेट रिप्लेस्ड आफ्टर सेवरल रेगुलर इंटरवल्स के बाद वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। जो रिपीटेशन है ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स का आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। कि अगर आपने कुछ अरेंजमेंट की है और आपको लग रहा है इतने में तो ठीक था ये प्रॉपर्टीज चल रही थी, फिर से कुछ रिपीटेशन ऐसा ही होने लग रहा है आगे के एलिमेंट्स के साथ, तो जब बोलेंगे कि आप इस पीरियड्स पे ये प्रॉपर्टी शो हो रही थी, आगे के पीरियड्स में वो प्रॉपर्टी शो हो रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ना है। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट भी आपकी चेंजेस आते हैं उसमें भी, ठीक है। व्हेन मेंडलीव गिव हिज पीरियोडिक टेबल, तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, डिस्कवर किए गए थे, तो उन्होंने भी उसी हिसाब से अपनी थ्योरी दी थी। एंड अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे मैं पीरियड्स कहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ये इस चीज पर आपको फोकस करना है, ठीक, किस चीज पर बेस्ड था। अगर आपको ऑप्शन में आता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, अभी हम मूसले का पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे, तो उन क्या किस चीज पर बेस्ड था, तो सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे ये अरेंजमेंट जो थी वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी, कि ये जो अरेंजमेंट्स की गई पीरियोडिक टेबल की, जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए आपके पीरियोडिक टेबल में, वो सब किस बेसिस पे किए गए, एटॉमिक मास के बेसिस पे किए गए। इसके बाद पीरियड्स एंड ग्रुप्स की बात आती है, टेबल वॉज डिवाइडेड इंटू पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दिया गया, जहां पर हर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी। फिर अननोन एलिमेंट्स जो थे उनका भी प्रिडिक्शन पहले से कर दिया था, और इन्होंने पता है क्या किया था, कि पहले से प्रिडिक्शन कर दिया कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसके लिए खाली स्पेस भी छोड़ा गया था। जैसे अगर हम ऐसे अरेंज करेंगे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ हो गया, ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया आपके पास एट्थ। अब अगर आपको अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा था फर्स्ट पे, अगर हम इस वाली लाइन को अरेंज करेंगे तो यहाँ पर लिथियम है, फिर आपका बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो ये वाली जो एट्थ वाली चीज जगह पर क्या होना चाहिए, अब तो नोबल गैसेस है, बट इधर पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए नहीं पता था, डिस्कवर नहीं किया गया था, तो इसको लेफ्ट कर दिया था, इस गैप को छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सोडियम, तो ऐसे गैप्स को छोड़ा भी गया था, अननोन एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन कर दिए थे कि कुछ ना कुछ तो आएगा, अब आपको पहले से कैसे पता कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, लेकिन उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। सो मेंडलीव लेफ्ट गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट नोन एट दैट टाइम, ये हो गया। इसके बाद से आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, कि ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स थे, हेल्प क्लासिफाई एंड ऑर्गेनाइज ऑल एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली, न्यू एलिमेंट्स को भी पहले से प्रिडिक्शन कर दिया था, ये मैंने आपको बता दिया, एंड अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स, सो ही लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्टिविटी, वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज, इन सबके बेसिस पे भी बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी थी इनके पीरियोडिक टेबल की, जैसे कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजिशन नहीं पता थी, ठीक है, और एक तो इनकंसिस्टेंसी भी थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे अगर आप हेलोजन्स की बात करेंगे,
हेलोजेंस जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो आपके कौन कौन से हेलोजेंस है, जैसे फ्लोरीन है जो 17 ग्रुप 17 में एलिमेंट्स है वो आपके हेलोजेंस है, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका आयोडीन हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p5 हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपके जो लास्ट वाली शेल होगी आउटरमोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, नीडेड है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एल्कली मेटल्स की बात करूं, जहां पर ग्रुप 1 की हम बात करें, तो एल्कली मेटल्स पे क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां से आप लिथियम को उठा रहे, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, तो लिथियम का एटॉमिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, और 2s में भी 2s में 1 हो जाएगा, ठीक है, 2s में 1 हो जाएगा। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो अगर लास्ट जो आपका ये वाला आउटर मोस्ट शेल है 2s1 में है, मतलब वहां पर आपके एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है अगर ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो, ठीक है। अगर इफ हाइड्रोजन को ले लिया यहां पर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 में, बीच में, यहाँ पर हैलोजन्स की बात की है मैंने और यहाँ पर इस साइड पर एल्कली मेटल्स की बात की, लेकिन बीच में आप क्या ले रहे हैं, आप हाइड्रोजन को ले रहे हैं जिसका कॉन्फिग्रेशन है 1s1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑल दीज नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है। सबको क्या क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए ताकि ये स्टेबल हो पाए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये दे देगा, एक देने के बाद ये स्टेबल हो सकता है। सो देयर इज कंफ्यूजन वेयर टू प्लेस हाइड्रोजन इन, या तो हम उसको हेलोजन के साथ प्लेस करें, ये कंफ्यूजन था, या फिर हम उसको एल्कली मेटल ग्रुप्स में प्लेस करें, क्योंकि इसको भी तो कॉन्फिग्रेशन उतना ही चाहिए था ना, तो हाइड्रोजन के लिए दिक्कत आ रही थी, तो ऐसी इनकंसिस्टेंसीज थी जब हम इंक्रीज कर रहे थे एटॉमिक मास या नंबर्स के बेसिस में, तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। पीरियोडिसिटी के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था, मेंडेलीव लॉ डिडंट एक्सप्लेन व्हाई पीरियोडिसिटी अकर, कि ऐसा जो पीरियोडिसिटी आ रही है कि इतने टाइम के बाद, इतने इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज एक जैसी दिख रही है, वो क्यों हो रहा है वो बता नहीं पाए थे। बाद में ये एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ड थ्योरीज जो आई उससे पता चला। सिग्निफिकेंस क्या था कि वॉज अ मेजर एडवांसमेंट था इनका लॉ केमिस्ट्री में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके बाद आता है, जहां पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज किया जाएगा रेदर देन एटॉमिक मास। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जहां पर अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, अब जो आएगा वहां पर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस बेसिस पर होगी, एटॉमिक नंबर के बेसिस में। तो देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मोस्लेस लॉ भी बोलते हैं, ने दिया था हेनरी मोस्ले ने। एन इंग्लिश फिजिसिस्ट रिफाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय डिस्कवरिंग दैट एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज द ट्रू बेसिस फॉर पीरियोडिसिटी, क्योंकि ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मेंडेलीव। तो उन्होंने बोला कि अगर हम ये लेते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट करते हैं, तो हम पीरियोडिसिटी की एक आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टीज क्यों रिपीटेशन हो रहा है वो हम समझा पाएंगे। दिस लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, राइट। अब देख लेते हैं की स्पेक्ट्स देख लेते हैं इसके, कि कैसे कैसे अरेंजमेंट्स हुआ था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अरेंजमेंट किया गया एटॉमिक नंबर के बेसिस में, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर विच रिजॉल्व इन कंसिस्टेंसीज इन मेंडेलीव टेबल एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स थे। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिकर, पीरियोडिकली रिकर होते हैं अगर इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक नंबर विच रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस, राइट। अब बेनिफिट्स भी थे कि जो एनोमलीज आ रही थी, जैसे एनोमलीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करें या फिर उसके साथ हम प्लेस करें हैलोजन्स के साथ, तो ये दिक्कत यहाँ से सॉल्व हो पाई। पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक आर्गिन को कहाँ पे रखना है, पोटेशियम को कहाँ पे रखना है, आयोडीन एंड टेलेरियम को कहाँ पे रखना है, तो ये एक्यूरेटली एटॉमिक नंबर के बेसिस में आप इसको उनकी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे अलाइन करिए वैसे अरेंजमेंट बेहतर तरीके से कर पा रहे थे। पीरियोडिसिटी को भी एक्सप्लेन करा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन या उसको डिटरमाइन करके हम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को एक क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड्स में बांट सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और इस थ्योरी की यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी थी, ऑब्वियसली जो चीज अच्छे से सब कुछ समझा पाएगी, सब कुछ एड्रेस कर पाएगी, तो वो क्या होगा, उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या था कि जो मोस्ले का वर्क था फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनाइज किया एलिमेंट्स को इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बन पा रहा था केमिकल बिहेवियर। क्योंकि देखिए जब हम वहां से एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो हम मैं डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल आया मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए केमिकल बिहेवियर एंड प्रेडिक्टेबल पीरियोडिक ट्रेंड्स, देखिए दिस पीरियोडिक लॉ इज द बेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी केमिस्ट्री allowing scientists to understand and predict elemental properties based on the positions in the table.
अब डिफरेंसेस की अगर आप बात करोगे तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, यहाँ पे मेंडलीव पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका मूसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंसेस देखोगे ना, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या वेट के ऑर्डर में अरेंज किए गए थे, लेकिन यहाँ पर किस में अरेंज किए गए थे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये याद रखना है कि यहाँ पर अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ना सॉरी, और यहाँ पे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पे किए गए थे। इसके बाद जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स आ पाए थे, बाकी के लिए गैप्स छोड़ दिए थे इन्होंने, लेकिन मूसले के टाइम पर कितने आ गए थे, 118 एलिमेंट्स हो गए थे पीरियोडिक टेबल में, जो अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। अगर बात करें आइसोटोप्स की, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटोप था हर एक एलिमेंट को, उसको अलग अलग डिफरेंट प्लेस दी गई थी, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स जो थे विद द एलिमेंट इटसेल्फ ही अरेंज किए गए थे, राइट। फिर गैप्स की अगर आप बात करोगे तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गैप्स थे, ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, बट अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म्स था, कोई गैप वगैरह नहीं छोड़ा गया था ना बेसिकली, तो ज्यादा यूनिफॉर्म था। तो ये डिफरेंसेस हो गए दोनों के टेबल पर, और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो बहुत पहले आ गया था, और उसके बाद मूसले का पीरियोडिक टेबल कब आया था, 1912 में आया था इनका पीरियोडिक टेबल, जिससे एटॉमिक नंबर के बेसिस में हम देख सकते हैं कि ज्यादा फंक्शनल तरीके से चीजें हमें मालूम पड़ पा रही हैं। तो ये सारी थ्योरीज थी, एक तो डोबी राइनर ट्रायड हमने पढ़ लिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, और लास्ट में हमने मूसले पीरियोडिक लॉ और हमने इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, जिसके हिसाब से 118 एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। तो आज जो पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक था वो एंड हो गया है। इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन रहेगी, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज रिलेटेड टू द चैनल, रिलेटेड टू द सीरीज है ना, एंड रिलेटेड टू द लेक्चर्स, कोई टॉपिक है, देन यू आर फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू एवरी वन।